अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पखवाड़ा लगातार जारी। रीवा के शासकीय आयुर्वेदिक अस्पताल में महिलाओं के निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जहां शारीरिक जांच के अलावा मानसिक स्वास्थ्य पर चर्चा हुई। कॉलेज के छात्राओं के साथ काफी संख्या में महिलाएं भी स्वास्थ्य शिविर में पहुंची। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पखवाड़ा लगातार जारी है, जिसको लेकर कई तरीके के आयोजन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में रीवा के शासकीय आयुर्वेद अस्पताल में महिलाओं के निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। अस्पताल के ओपीडी में शिविर लगाया गया। इस शिविर में शारीरिक जांचों के अलावा मानसिक स्वास्थ्य पर चर्चा हुई। यहां पर काफी संख्या में कॉलेज की छात्राओं के साथ महिला स्वास्थ्य चेकअप कराने के लिए पहुंची। शिविर में निःशुल्क वजन, फैट, कैलोरी, बर्न, कैपेसिटी आदि के बारे में बताया गया। वजन, आंखें, बीपी, हाइट की जाँच भी की गई। महिलाओं को अच्छी डाइट, खान पान की सावधानियां, परीक्षा देने वाली छात्राओं की सही डाइट संबंधी जानकारी भी दी गई, दवा भी उपलब्ध कराई गई। इस शिविर में एक खास बात ये रही, फुल बॉडी स्कैनर मशीन से महिलाओं की जांच की गई। इस मशीन की खास बात यह है कि यह मशीन शरीर के 36 अंगों और प्रणाली की जांच चुंबकीय पद्धति से करती है, जिससे इस बात का पता लगाया जा सकता है उन्हें किस तरीके की बीमारी है, शरीर में किस चीज़ की कमी है। इस मशीन से 200 से ज़्यादा युवतियों की जाँच की गई। इस शिविर में 500 से ज्यादा महिलाएं और युवतियां का निःशुल्क जांच कर दवाएं वितरित कर गई। किस तरीके से जांच की गई, किस तरीके से कैंप लगाया गया, इसको लेकर हमने कॉलेज के प्राचार्य दीपक कुलश्रेष्ठ, डीन निधि मिश्रा और मशीन ऑपरेट करने वाले धीरेन्द्र सिंह से बात की, जानने समझने की कोशिश की आखिर ये मशीन किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, किस तरीके से उनका परीक्षण किया गया। आइए आपको सुनाते हैं एक्सपर्ट ने क्या कुछ कहा। हमारे चिकित्सालय में प्रतिवर्ष 8 मार्च को जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आयोजित किया जाता है, परंतु इस वर्ष होली होने की वजह से, अवकाश होने की वजह से और होली होने की वजह से उस दिन कार्यक्रम नहीं आयोजित हुआ। उसी के उपलक्ष्य में आज हम लोगों ने एक महिला स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया है, जिसमें अभी तक लगभग 250 से ऊपर महिलाएं एवं कॉलेज की बच्चियां, GDC से बच्चियां और दूसरे कॉलेज की लड़कियां जो है वो परीक्षण कराने आई। उनका हम लोगों ने BMD, जो कि महिलाओं की एक कॉमन प्रॉब्लम है कि हड्डियों की डेंसिटी कम हो जाती है, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, उसका परीक्षण किया और हीमोग्लोबिन की परीक्षण किया, जिसमें महिलाओं के ये एक खास प्रॉब्लम रहती है, तो उसके हिसाब से हम लोगों ने औषधियाँ भी उपलब्ध निःशुल्क कराई। जी, ये आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में हमने एक निःशुल्क महिला स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया है। चूँकि 8 मार्च को होता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, लेकिन उस दिन अवकाश होने की वजह से होली का, हमने ये शिविर आज आयोजित किया है, जिसमें कि अभी तक बहुत अच्छे इसके ये दिखाई दे रहे हैं रुझान, और करीब 350 महिलाओं ने अपने स्वास्थ्य का परीक्षण करवा लिया है, और भीड़ को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आगे 500 तक ये संख्या पहुँचेगी। किस तरीके के, जैसे काफ़ी बच्चियाँ दिख रही हैं, महिलाएँ भी दिख रही हैं, तो आमतौर पर इन लोग को किस तरीके की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है? देखिए, महिलाओं की जो कुछ स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं वो कुछ अलग प्रकार की होती हैं। जनरली उनमें वीकनेस एक बहुत बड़ी समस्या है, साथ में उनकी जो एक बोन डेंसिटी वाली एक समस्या आती है उनको, उसके लिए हमने एक विशेष तरीके की मशीन मंगवाकर उनका एक QMRI टेस्ट करवा रहे हैं, जिससे उनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स की स्क्रीनिंग होकर आने वाले भविष्य में भी उनको क्या बीमारियां हो सकती हैं उसके संबंध में भी उन्हें जानकारी दे रहे हैं। अब तक मैं कम से कम लगभग 125 लोगों की जांच कर चुका हूं मैं। ये मशीन है क्वांटम मैग्नेटिक रिजोनेंस एनालाइजर। एक्चुअली नाड़ी विज्ञान और MRI पद्धति का ये मिश्रित स्वरूप है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की हेल्प से ये शरीर की 36 अंगों प्रणालियों की लगभग 600 से ज़्यादा शरीर के अवयवों की जाँच करती है, और इसके बाद लगभग शरीर की 200 से ज़्यादा शरीर की इन्फॉर्मेशन निकालती है, लीवर, किडनी, हार्ट, ब्लड, बोन, आपके शरीर में हैवी मेटल्स का लेवल क्या है, विटामिन का स्तर क्या है, इन सारी चीज़ों की रूपरेखा लेकर के शरीर का पूरा विश्लेषण करती है। मुख्यतः ये शरीर के कार्य की और शरीर में होने वाले उतार चढ़ाव का इंडेक्स बेस्ड इन्फॉर्मेशन निकालती है। आज आपने जो जाँचें की 125, अगर आपको कहीं जाँच कराना हो तो कोई स्थायी कहाँ पर आप मिलते हैं? आप ये कॉलेज चौराहा है जो कोठी रोड का, वहाँ पर गुलफॉर्म कॉम्प्लेक्स, वहाँ पर मैंने अपना सेंटर बनाया हुआ है। मैं रीवा लगभग 4 से 6 दिनों के लिए आता हूँ, तो उस दौरान मैं गुलफॉर्म कॉम्प्लेक्स सेंटर में उपलब्ध हूँ।